हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बोलने देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है, कल से। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता ही था कि श्रीजा और शिवी दोनों की तबीयत ख़राब है, तो शिवी तो थोड़ा सा बेटर है, अभी बेटर फील कर रही शिवी तो। लेकिन श्रीजा को जो फीवर था, श्रीजा का फीवर उतर नहीं रहा था। तो फिर आज सुबह से मतलब उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो पूरे टाइम सिर्फ लेटी हुई थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए, उसका बुखार बहुत तेज़ था। तो हम लोग आज डॉक्टर के पास लेके गए, उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो उसको पता चला कि उसको हो गया है डेंगू। तो अभी उसको इंजेक्शन लगेंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम इंजेक्शन लगेंगे। और दवाइयाँ वगैरह तो चल ही रही है। तो अभी बहुत सुस्त हो गई है और पूरा मतलब सुबह से अभी तक लेटी है, कुछ खाया भी नहीं है। खाया मैं थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं रही है। तो ये हमारी शिजू की हो गई है तबीयत ख़राब। शिजू हाथ तो बता दे बेटा, कहाँ लगी सुई, कहाँ लगी शिजू को? हैं? ओ बेटा बात ही नहीं कर रही, वो अभी बात नहीं करेगा। शिजू रोना नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि श्रीजा को अभी रोज़ इंजेक्शन लग रहे हैं, तो अभी सुबह का इंजेक्शन हम लोग लगवा के आ चुके हैं। और अभी वैसे थोड़ा सा ठीक है, बुखार फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा उसको। हालत खराब। हमारी श्रीजा, तो ये है हमारी श्रीजा बेटी, जिसकी अभी तबीयत ख़राब है। इसको हो गया है डेंगू और अब इसके हाथ में भी ये लगी हुई है ना शिजू? हाँ। दुखता है बेटा? दुखता है? हाँ। अभी शिजू को इसमें सुई लगेगी, है ना शिजू? सुई, हाँ। फिर जल्दी से शिजू ठीक हो जाएगी, है ना? और ये हमारा शिवी बेबी, ये हमारी शिवी बेबी बैठी है। हाय करो। हाय। अभी शिवी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है पहले से। तो आप लोग भी श्रीजा और शिवी को ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि आप ये दोनों जल्द से ठीक हो जाए, श्रीजा की रिकवरी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत बेकार होता है ये डेंगू। क्योंकि उसको बुखार इतना ज़्यादा था, कल भी मतलब बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी कल उसकी। तो फिर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके गए और चेकअप वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। तो अभी मतलब कल से थोड़ी बेटर है श्रीजा, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, कफ है उसको बहुत ज़्यादा। तो बस यही है, अब उसकी दवाइयाँ चल रही है, इंजेक्शन्स लग रहे हैं, तो ठीक हो जाएगी जल्दी से। तो चलिए, अब क्या है, 2-3 दिन से तो मैं शूट कुछ कर ही नहीं पा रही, क्योंकि अभी बच्चों में लगी हुई हूँ। क्योंकि आज थोड़ी सी बैठने लायक स्थिति में श्रीजा है, क्योंकि कल तो दिन भर ये था कि वो पूरी तरह से बेड पे ही लेटी थी। और अब तो अभी मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और हेडेक वगैरह हो रहा है। तो आपको मेरी आँखें देख के लग ही रहा होगा कि, और नींद भी नहीं हो रही हम दोनों की, क्योंकि श्रीजा रात में सोती नहीं है, उसको फिर बार बार देखना पड़ता है। तो बस अब जल्दी से श्रीजा ठीक हो जाए, दोनों बच्चे स्वस्थ हो जाए, बस ये चाहते हैं हम लोग।
और चलिए आज के इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तो सभी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।